जैसा कि मैंने लास्ट टाइम प्रॉमिस किया था कि अगर इस वीडियो पर 500 लाइक्स आते हैं तो मैं एडिटिंग वीडियो भी बना दूंगा, तो वो समय आ चुका है जब मैं आपको बताने वाला हूं कि मैं अपनी वीडियोस को किस तरह से एडिट करता हूं, तो फिर ध्यान से देखना। वैसे तो मैं कोई प्रो एडिटर नहीं हूं, लेकिन आपको एक सिंपल क्लीन और नाइस एडिटिंग सिखा सकता हूं आपके रील्स को एडिट करने के लिए। तो एग्जांपल के लिए मैं आपको एक छोटा सा एडिट दिखाने वाला हूं और हम इसी क्वालिटी का एडिट सीखेंगे अपने रील्स को एडिट करने के लिए, जो कि कुछ ऐसा लगेगा। तो फिर वीडियो को स्किप किए बिना ध्यान से देखना, क्योंकि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आपको समझ आए। और अगर आपको ये भी जानना है कि मैं फोन से वॉइस ओवर कैसे करता हूं बिना किसी माइक या बिना किसी एक्स्ट्रा इक्विपमेंट के, तो फिर टारगेट रखते हैं 500 लाइक्स का, और उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। फिलहाल के लिए अभी शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम यूज करने वाले कैपकट का, इसका फ्री प्रीमियम वर्जन का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ ही साथ चाहिए होगा आपको एक वीपीएन, मेरे लिए सुपर वीपीएन अच्छे से काम करता है, जो कि आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। तो कैपकट ओपन करने के बाद आपको जो प्लस का साइन दिखेगा जहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट लिखा है, पर आप क्लिक करके अपनी रिकॉर्डेड क्लिप्स को यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हो। आप यहाँ पे सिर्फ एक वीडियो क्लिप को इंपोर्ट करके उसका वॉल्यूम जीरो कर देना, ताकि जब भी आप दूसरी क्लिप्स को इंपोर्ट करें तो उनका वॉल्यूम ऑटोमेटिकली जीरो हो जाए। और हाँ, नीचे वाले एडिटिंग ऑप्शन चेंज हो जाते हैं जब भी आप अपनी क्लिप को टच करके सेलेक्ट करते हो, और जैसे ही आप अपनी क्लिप को डीसेलेक्ट करोगे आपके फिर से पुराने वाले ऑप्शंस आ जाएंगे। अभी मैं सारे के सारे फाइल्स को इंपोर्ट कर लेता हूँ जो भी क्लिप्स मुझे चाहिए थी। और क्लिप्स को इंपोर्ट करने से पहले आपको HD वाला जो आइकन दिख रहा है वहाँ पे क्लिक जरूर से कर लेना है, ताकि आपकी जो भी क्लिप्स इंपोर्ट होंगी वो सारी की सारी HD क्वालिटी में ही होंगी। एक बार आपकी सारी क्लिप्स इंपोर्ट हो जाए, उसके बाद हम ऑडियो वाले आइकन पे क्लिक करके अपने लिए म्यूजिक सेलेक्ट कर लेंगे। वैसे तो इसमें काफी सारे प्री इंस्टॉल्ड म्यूजिक हैं जो कि नॉन कॉपीराइटेड भी हैं। इसके अलावा आपको काफी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं कि आप डिवाइस के अंदर से सॉन्ग ले सकते हो जो भी आपने पहले डाउनलोड किया होगा, या फिर यहाँ पे ऑलरेडी ट्रेंडिंग टिकटॉक सॉन्ग्स भी हैं, यानी जो टिकटॉक पे ट्रेंडिंग में चल रहे वो वाले सॉन्ग्स आपको यहाँ मिल जाएंगे, या फिर आप किसी और वीडियो से या फिर किसी रील से जो आपको पसंद आई हो उसका भी म्यूजिक एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। आपको सिंपली एक्सट्रैक्ट साउंड फ्रॉम वीडियो क्लिक करना है और अपनी वीडियो को सिलेक्ट करना है। जैसे कि मुझे एक गाने की कैन का एडिट मिला था, तो मैंने उसकी वीडियो को सेव कर लिया था। अब इसके म्यूजिक को मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। प्लस का आइकन क्लिक करते ही आपका सॉन्ग आपकी क्लिप्स के नीचे आ जाएगा। और अभी बारी अपनी वीडियो की क्लिप्स को अपने म्यूजिक के बीट के साथ मैच करने की, लेकिन उससे पहले आपको अपनी ऑडियो को 2 से 3 बार प्ले करके देख लेना है कि कौन से बीट्स कहां पर आ रहे हैं, इसका आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। अभी सीजर वाले आइकन की हेल्प से आप अनवांटेड पार्ट को रिमूव कर देना और अपनी क्लिप्स को छोटा या बड़ा करके एडजस्ट कर देना, ताकि वो बीट्स के साथ मैच कर पाए। मैंने यहाँ पे कैपकट वाली स्क्रीन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके जूम कर दिया है, ताकि आप लोगों को वो अच्छे से दिखाई दे। वैसे भी एक शॉर्ट वीडियो 11 से 20 सेकंड की होती, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप हर क्लिप को अराउंड 1 सेकंड का रखें और ट्राई करें कि बीट के साथ मैच हो जाए। वीडियो को बीट के साथ मैच करने के लिए आप वीडियो को स्प्लिट कर सकते हो, ट्रिम कर सकते हो, उसको आगे पीछे कर सकते हो, या फिर आप उसकी स्पीड को कम या ज्यादा कर सकते हो, ताकि वो बीट के साथ मैच हो जाए। एंड आई थिंक ये काफी नॉर्मल सी चीज है और हर कोई इसे कर ही लेगा। और ये एडजस्ट करने में भी काफी टाइम लगता है, इसका ऐसा कोई ट्रिक नहीं है जिसे तुम एक बटन दबाओ और सारा कुछ से हो जाए, ये आपको खुद ही करना पड़ेगा बीट के हिसाब से। तो वीडियो स्टेबल होने के बाद भी वीडियो को मोशन में कैसे दिखाएं, उसके लिए काफी इजी ट्रिक है। जब भी आप अपनी वीडियो को सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पर एक छुटकू सा आइकन विजिबल होता है, और जैसे ही आप इसको टच करोगे ये आपकी वीडियो क्लिप पे अप्लाई हो जाएगा। और इसे आप अपनी क्लिप की शुरुआत में अप्लाई करो और एक बार एंड में अप्लाई कर दो, और फिर वीडियो को टच करके उसे जूम कर दो, और इससे आपको कुछ ऐसा इफेक्ट देखने को मिल जाएगा जो कि हर पॉपुलर क्रिएटर की रील में आपको दिखता है। एक्चुअली इस छुटकू से आइकन का नाम है की फ्रेम, और आप जिस भी की फ्रेम पे अपनी वीडियो को जूम करोगे तो उस की फ्रेम पर आपकी वीडियो जूम आउट हो जाएगी, और अगले की फ्रेम तक आते आते वो फिर से जूम इन हो जाएगी। अभी ध्यान से देखना, इस बार मैंने शुरू वाले की फ्रेम को जूम किया हुआ है और पीछे वाले की फ्रेम को मैंने टच नहीं किया है, तो पहले वीडियो जूम रहेगी और आगे जाते जाते फिर से वापस नॉर्मल हो जाएगी। पहली वाली क्लिप में मैंने पीछे वाले की फ्रेम को जूम किया था, जबकि दूसरी वाली क्लिप में मैंने पहले वाले की फ्रेम को जूम किया, ताकि थोड़ा सा जूम इन जूम आउट जैसा इफेक्ट आ सके। पर फिर भी मुझे लग रहा है कि ये सारा का सारा आपके ऊपर से निकलता जा रहा है, तो इसको छोड़ते हैं और चलते हैं सीधे इफेक्ट्स पर, शायद वो थोड़ा इजी रहे। तो यहाँ पर मैं जाऊंगा इफेक्ट्स में और सेलेक्ट करूंगा वीडियो इफेक्ट्स को, और यहाँ पर काफी सारे ट्रेंडिंग इफेक्ट्स आपको मिल जाएंगे, या फिर जो भी इफेक्ट आपके बीट के अकॉर्डिंग मैच करे वो आप यूज कर सकते हो। और यहाँ पर मैं ब्लिंक जैसा इफेक्ट यूज करने जा रहा हूँ, ये भी आप अपनी क्लिप के अकॉर्डिंग आगे पीछे एडजस्ट कर सकते हो, क्योंकि ये इफेक्ट काफी बड़ा है और ये मुझे पूरी वीडियो पे नहीं चाहिए, तो मैं इसे छोटा कर लूंगा।
तो इस तरह से आप काफ़ी सारे वीडियो इफेक्ट्स डाल सकते हो और उन्हें अपनी वीडियो के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। अब बारी है ट्रांजिशंस की, क्योंकि ट्रांजिशंस हम जब यूज़ करते हैं जब हमें दो क्लिप्स के बीच में कनेक्शन बनाना हो। ट्रांजिशन डालने के लिए आपको क्लिप्स के बीच में काफ़ी सारे जॉइंट्स दिखेंगे, जब आप उन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने काफ़ी सारे ट्रांजिशंस आ जाएंगे। आप इनको स्क्रॉल कर सकते हो, काफ़ी सारे आपको मिल जाएंगे, जो भी आपको पसंद हो आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन बीट्स के लिए लोग ज़्यादातर शेक और पुल वाले इफेक्ट को यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं एक नॉर्मल सा अच्छा दिखने वाला इफेक्ट यूज़ कर रहा हूँ जो लाइट इफेक्ट। इसे मैं ट्रांजिशन की जगह पे यूज करूंगा क्योंकि ये काफी अच्छा लगता है और काफी सिंपल भी। और ऐसा भी नहीं कि आप सेम ट्रांजिशन इफेक्ट को पूरे वीडियो में डाल दो, आपको अलग अलग ट्रांजिशन को यूज करना है ताकि आपकी वीडियो थोड़ी अट्रैक्टिव लगे। लाइट इफेक्ट को मैं यूजली वीडियो की शुरुआत में या फिर वीडियो के एंड में यूज करता हूँ, बाकी के टाइम में और दूसरे ट्रांजिशन को यूज करता हूँ। इसके अलावा अगर आप चाहो तो आप ऑडियो वाले ऑप्शन में जाकर के आप ऑडियो इफेक्ट्स भी यूज कर सकते हो, जो कि काफी सारे बड़े क्रिएटर्स के वीडियो में आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको काफी सारे ट्रेंडिंग ऑडियो मिल जाएंगे जो कि आप फ्रीली यूज कर सकते हो। और ये लाइट वाले ट्रांजिशन के लिए मैं ज्यादातर कैमरा साउंड इफेक्ट या फिर क्लिक साउंड इफेक्ट यूज करता हूँ क्योंकि वो इसके साथ परफेक्टली मैच करता है और ये कुछ ऐसा लगेगा अभी। तो ये सब करने के बाद आप फाइनली अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट कर सकते हो। उसके लिए आपको रिजोल्यूशन रखना है 1080p और फ्रेम रेट को रखना है 30fps। और कोड रेट को आप फुल कर सकते हो, इससे आपकी इमेज क्वालिटी बेटर होगी। और वीडियो एक्सपोर्ट हो जाने के बाद फाइनली आपकी एडिटेड क्लिप रेडी है। बाकी आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा।